हमारे गोलकीपर वैभव यही के लग रही है भाई, बैठ के ना पूरी बस तुम्हारी है, ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो गए। क्या बोलते हैं, इनके कमरे में लाइट नहीं है, पानी नहीं आ रहा क्या? हमारी टीम तो जा रही है। तो अपने लड़के एग्जिट करते हुए सारे बता रहे वैभव की रात को गर्दन वर्दन मुड़ गई। मगर तू गोल की पर तेरे कुछ नहीं होना चाहिए। और यहाँ से एग्जिट होते हैं, अब वेट करते देखते कहाँ पे खड़े होके बुलाया जाएगा। ये एग्जिट हो गए हम सब, तो अभी सब बैठ गए, एक घंटे बाद बस आई है हमें लेने। तो वेट कर रहे हैं, एक अच्छी सी जगह देख के बैठ गए सब, दो तीन घूमने भाग गए इधर उधर। तो अभी वहीं जाके कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, जैसा भी होगा उनका इंतज़ाम। तो एक अभी बात हुई है फ़ोन पे, और बस वाला आएगा एक डेढ़ घंटे में। इतने बैठ गए, बस वाले का फ़ोन आ गया, अब गेट नंबर 6 पे जाना है दूसरी साइड। तो उसके लिए सारे, पहले तो हम आ गए थे एक नंबर गेट पे, उसके बाद अभी उसका फ़ोन आया कि बैक साइड में आना स्टेशन के। तो पहले तो कह रहे थे एक घंटा आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन वो आ गया आधे घंटे के अंदर। तो जा रहे बस की साइड, पहले गलत आ गए थे, दोबारा स्टेशन पे चढ़े हैं और अब गेट नंबर 6 की तरफ जा रहे सारे लड़के। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद अब बस की तरफ जा रहे हैं। बस वाला आ गया, एक घंटा हो गया वेट कराते उसको, तो उसने बोला बाहर। तो रोड की साइड जा रहे हैं, बस आ गई लेने। तो अब बैठ रहे हैं फटाफट बस में, चलो है जल्दी। लड़कों ने काफी देर वेट किया, उसके बाद बस आ गई है। टाइम क्या हो गया, मेरी घड़ी, मेरी तो बैटरी बंद हो गई। बात अच्छा जी, दो घंटे हो गए हमें आए हुए, 6 बजे आ गए थे। जल्दी चलो जल्दी, क्या कह रहा, पीछे थोड़ी रखेगा, ले जल्दी लेके चल। ओए बैग पकड़ इसका, चल 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 चढ़ो, चल चल। और बस में बैठ गए, यहाँ से कितनी देर का टाइम लगेगा भाई, कितना टाइम लगेगा? अभी एक घंटा लगेगा। अच्छा एक घंटा, सब ज़्यादा दूर है क्या? ज़्यादा नहीं है, 20 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा, रास्ते का काम तेज रहता है। हाँ तो 20 किलोमीटर का सफ़र है, अब देखते हैं। बैठ गए सब अंदर, मैं बाहर बैठ गया। तो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है, तो वही 40-45 मिनट लग जाएगी अगर जाम नहीं मिला तो। चलो, हाँ मौसम अच्छा हो रहा है, ठंडक हो रही है, बारिश वारिश आई है यहाँ, तो गर्मी तो लग रहा है नहीं, जो भी है। चलो अब देखते हैं वहाँ जाके कितना टाइम लगेगा, फिर जाके ब्रेकफास्ट भी वहीं पे करेंगे। हाँ भाई बैठ के ना पूरी बस तुम्हारी है। ओके एक घंटे का सफ़र है, आराम से बैठो, मज़ा लेटो सब। और दिल्ली की तरह यहाँ भी मेट्रो का काम हो रहा है सारी जगह, और हमारे गणपति महाराज भी बैठे सबसे आगे। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गणेश जी को पूजा जाता है। हाँ महाराष्ट्र जितना कहीं भी नहीं पूजा जाता गणेश जी को। आपका क्या नाम भाई साहब? शिवा। शिवा, शिवा जी, शिवा वर्ल्ड फेमस शिवाजी। हम सोचते हैं कि दिल्ली दिल्ली में जाम है, लेकिन यहाँ पर सुबह 8 बजे यहाँ भी जाम है, और लोग अपना ऑफिस की तरफ जाते हुए सब। उतरो जल्दी। तो अब बस ने उतार दिया है, पहुंच गए यहाँ पर, अब हॉस्टल की तरफ जाना है। तो अब सब पहुंच गए, हॉस्टल है यहाँ पे, तो वहीं पे स्टे करवा रखा है सारा।
तो ये देखो मेरे पीछे, बिल्कुल हाँ, ये रूम्स है जो बने हुए हैं, हॉस्टल है ये बच्चों के लिए। तो अब ये जहाँ बुलाया वहाँ जा, सब इनके जो हॉस्टल का अरेंजमेंट है, ये 3 बेड एक रूम में है। और तो मैं, रवि, शाहिद, सत्यम, मतलब इसमें आ गए, बाकी लड़कों को 2 कमरे दिए, अभी मिलवाता हूँ उनसे। अभी रेडी वेड थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होके, मतलब फिर ब्रेकफास्ट का टाइम है, एक बार ब्रेकफास्ट करके आएंगे। तो पहले कहाँ जा रहा है पप्पी? तो ये एक रूम ये है, अरविंद सफाई कर रहा है, 3 बेड इसमें। हाँ, बाकी वो शैतानी नहीं किसी की भी है ना, तरीके से रहना। तो उसके बाद जल्दी से ब्रेकफास्ट के लिए चल रहा है, फटाफट 5 मिनट में ऑल राइट के लिए रेडी हो गए। इनके कमरे में लाइट नहीं है, इनके कमरे में लाइट नहीं है। हाँ, तो पहले ब्रेकफास्ट करके आ रहे हैं, कह रहे बात बंद हो जाएगा, ये चिंता और लगा दो। ये कह रहे हम सुल्तानपुर वाले लड़के, कह रहे 11 के 11 एक ही कमरे में रहेंगे। माँ भाई तुम्हारी मर्जी है, एक में 11 रहो चाहे 21 रहो। तो सब जा रहे ब्रेकफास्ट के लिए मैस की तरफ, एक रवि रह गया वो अंदर, वो आता रहेगा, एक बाकी लड़के एक आधे और रह गए, बाकी सारे भूखे मर रहे कल से। तो सब भूख लग रही है, पेट दर्द। हाँ, तो चाय चाय शकल से दिख रहा तू तो भूखा। चाय पी के भी काम चला रहे थे। हाँ, चाय से काम चलाया। हाँ, तो अब मैस की तरफ जा रहे, चलो देखते ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए सारे। उसमें केले और उपमा और चाय। अभी ब्रेकफास्ट करके रूम पे चले जाएंगे, फिर नहाएंगे, लेटेंगे थोड़ी देर, फिर किसी का मैच वैच होगा, ग्राउंड की तरफ जाएंगे। घूमते थोड़ा सा शहर में आए थे, तो देखा नवरात्रों के दिन है तो गरबा वगैरह चल रहा है जगह जगह। और आज दूसरा दिन है यहाँ पे, तो मतलब सुबह तो पहली है यहाँ पे बेड पे। तो आज मौसम भी अच्छा हो रहा है, और आज लड़कों का मैच है, तो उससे पहले ओपनिंग है 10 बजे। तो टाइम हो गया 8:30 बज गए, और हमारा जो मैनेजर है रवि, उसकी तो लंका लगी हुई है सुबह से, वो तो 6 बजे उठा था जब से ही, ऊपर नीचे है। मैंने पूरी नींद पूरी कर ली। तो अब रेडी होके थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद जाना है वहाँ, क्या नाम है, मार्च मतलब इनका ओपनिंग टूर्नामेंट ओपनिंग है, तो मार्च पास्ट होता है उससे पहले, तो वो स्टार्ट होगा 9:30-10 बजे। तो जो भी वहाँ 1.5 घंटे का प्रोग्राम होगा, उसके बाद शाम को 4 बजे मैच है, लास्ट मैच है हमारा 4 बजे। तो बच्चे लंच करके थोड़ा बहुत मैच खेल लेंगे। तो चलो रेडी होते हैं, खड़े होते हैं, और मार्च पास्ट के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए निकलते हैं फिर रेडी होके। ये हमारा मैनेजर रवि, सुबह से लंका लगी हुई है इसकी, सुबह 6 बजे से उठा हुआ है, कभी नीचे कभी ऊपर, बेचारे को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के चक्कर में ना घंटी ले ली है, तीन लेटर लिखवा लिए इससे। तो चलो भाई रेडी हो लो फटाफट, चलो ये खड़ा होने सोता ही रहता है, साइड तो सोता ही रहता है, और कोई काम नहीं इसको। हाँ हाँ, 9:30 जाना पता मेरे को, रेडी हो लो ये, पर पहले ब्रेकफास्ट भी तो करेंगे। लड़के ना सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और कहीं टाइम से हो ना हो, यहाँ जरूर टाइम से होते हैं। तो चलो फ्रेश व्रेश होके रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट करके आएंगे, फिर आज जाना भी है। क्या हुआ, पानी नहीं आ रहा क्या? नहीं। बस यही होना है बेटे, लेट उठोगे तो यही होगा ना, पानी नहीं आएगा। पानी नहीं आ रहा क्या? पानी कहीं नहीं आ रहा, सब चले गए खाने। खाने? हाँ। चलो हम भी चल रहे, पर खाने वो दोगे। तो ब्रेकफास्ट करने निकलते हैं, क्योंकि टाइम भी हो गया, 9 बज गए, 9:30 वैसे जाना भी है मार्च पास्ट के लिए। तो शाहिद और सत्यम ने पता नहीं कौन सी टूटी चलाई थी, कह रहा पानी नहीं आ रहा, पानी आ भी रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो चलो निकलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, देखते हैं क्या बनाया आज। बनी हुई है इसके अंदर खाना है, लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब। तो चलो चलते हैं।
तो देखते क्या बना है। इडली है, इडली है और सांभर और केले चाय। तो चलो यहाँ पे ऑफिशियल का अलग से है, अंदर खिलाड़ियों का प्लेट्स का अंदर है। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी अच्छी इडली और सांभर होगा, पहले तो दो ही खाने की सोच रहा था। इतना अच्छा सांभर है, मतलब बिल्कुल स्वीट स्वीट स्पाइसी नहीं है, मज़ा आ गया। और इडली भी एक नंबर की बनी हुई है, तो दोनों मतलब इडली बिल्कुल लाइट लाइट जैसे ऐसी नहीं है चिपचिपी सी, इतनी अच्छी इडली बनी हुई है, इतने अच्छे सांभर बने हुए, मज़ा आ गया। तो ब्रेकफास्ट कर लिया, मज़ा आ गया एक नंबर का, क्योंकि जो सांभर था ना शकल देख के मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन खाने के बाद पता चला कि क्या क्लासी टेस्ट था यार, मज़ा आ गया। मैंने सच में टचवुड आज तक नहीं खाया इतना टेस्टी, क्योंकि हमारे यहाँ मिलता है दिल्ली में स्पाइसी स्पाइसी है, और ये थोड़ा स्वीट स्वीट मीठा मीठा सा था। हाँ, तो अब रेडी होके मार्च पास्ट का भी टाइम हो गया, और एक साथ यहाँ बहुत बच्चे मैस बना हुआ है, जो हम आए हैं हमारे लिए नहीं, जितने भी लोग मतलब स्पोर्ट्स का सामने, ये तो हॉस्टल है, सामने ग्राउंड है, उसमें टेनिस स्विमिंग साइकिलिंग बास्केटबॉल अदर सारे गेम है मतलब जो भी है, तो उन सब का भी ब्रेकफास्ट यही होता है। तो चलो रेडी होके फिर निकलते मार्च पास्ट के लिए, थोड़ा सा लेट हो गए, 9:15 हो गए और 9:30 का टाइम दिया था पहुँचने का, तो चलो निकल के रेडी होते हैं। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है कौन सा खोलो है। हो गए रेडी, बैठे हुए हो यहाँ, क्या हो रहा है? नहीं सवाल हो गए, सही सही बताइए कितनी इडली खा गया है भाई? 6 और कुछ मंगवाऊं बेटा? जल्दी से रेडी हो लो, कोल्ड ड्रिंक मेरे कमरे में रखिए, बाद में पी लेना। चलो रेडी हो लो फटाफट, और कमरे को साफ सुथरा रख लो। वे जो भी है ना सफाई ना करे भगा दो कमरे में, जो भाई 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 जूते पैर लेना सब, वेट कर रहे हैं रेडी होना है नहीं होना। हाँ चलो एक दूसरे कमरे में हो रहा हूँ उनसे, और देखो देखता हूँ क्या कर रही है यार। बेटा तैयार हो लो, लाइट आ गई तुम्हारे कमरे में? कितनी इडली खा गया सही बताओ यार? ज्यादा चाय मत पियो, चलो रेडी हो लो फटाफट निकलते है फिर। तो सब बच्चे तो जा रहे हैं, मैं अभी मगा यार तुम पहुंचो पहले, उसके बाद बताना वहाँ क्या सिचुएशन है, क्योंकि मुझे पता है अभी कुछ सारी टीमें तो यही है, इनको पता नहीं किसने टाइम दे दिया, तो ये टाइम से पहले जा रहे है, निकल चुके सब लड़के। तो अभी मैं तो 10:15 जाऊंगा, अभी 9:40 हो गए, तो ये तो निकल रहे हैं, मैं अभी नहा धो के आराम से निकलूँगा, चार्जिंग वगैरह करके फ़ोन में थोड़ी देर,
तो चार्जिंग भी बैटरी कम है। तो चलो ये जा रहे हैं, मैं अभी रेस्ट करता हूँ 10-15 मिनट, फिर ना दो के हमारी टीम तो जा रही है साथ में ले जाते। ओके विवेक, तो बच्चे तो निकल गए और मार्च पास्ट भी स्टार्ट हो गया है, तो अब मैं भी जा रहा हूँ। मैंने बोल दिया था जब स्टार्ट हो जाए फ़ोन कर देना, तो रेडी वेडी होके निकल रहा हूँ। थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है लगभग 200-400 मीटर का, तो सामने इसके मतलब ग्राउंड वगैरह है, तो वहाँ जा रहा हूँ। तो यहाँ से शॉर्टकट निकल रहे हैं, ये शॉर्टकट है, हम पहले लॉन्ग कट्स में से आ रहे थे, तो थोड़ा सा स्टार्ट हो गया, लेट भी हो रहे हैं, तो निकल लेते हैं यहीं से। सर ने बताया मुझे कि यहाँ से शॉर्टकट है, तो सीधा आ गए बाहर गेट के पास।